मुझे ना ढले। बहुत ही खूबसूरत ढंग से खेला। टाइमिंग, इसीलिए गेंद हमेशा आप फील्डर से दूर दौड़ती हुई चली जाएगी। यहां गेंदबाज ने अपना एक प्रयोग कर दिया, अब इसकी आवश्यकता क्या थी, ये तो बुमराह जाने। 17 बिना नुकसान, तब ये श्रृंखला समाप्त होगी। कमाल का शॉट खेलते हैं ये जो। जी हाँ, थोड़ी सी जगह बनाई अपने लिए यहां पे हाशिम आमला ने। ओ, ये दिक्कत वाली बात है। जी हाँ, क्या आउटफील्ड इस तरह के होते हैं ना। और ये होना चाहिए पहला सफलता। जी हाँ बिल्कुल, कोई मौका नहीं यहाँ पे हाशिम आमला के लिए, क्योंकि अच्छी गति से भी रन बनाया। यहाँ खूबसूरत शॉट, इस गैप को भेद दिया और ये नहीं रुकेगा। 4 रन मिले वहां फ्रांसुआ डुप्लेसी को। एक और चौका मिलेगा, रोकना नामुमकिन के ऊपर। और एक अच्छे जो गलियारा कहते हैं, यहाँ पे ऊपर डाला, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्विंटन डिकॉक का बल्ला खुला। ओए, 22 के रूप में मिलेंगे 4 रन पे। ओ, क्लोज हो सकता है, क्लोज हो गया। और ये आउट, तो आप मिड ऑन लाए ऊपर, मिड ऑफ लाए ऊपर, ये तो हाथ में ही मार दी। बहुत ही बढ़िया कैच हार्दिक पांड्या के, तो ये भी एक और विकल्प है। शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, मिला था उनको। अभी कह रहे थे कि अभी तक विकेट नहीं मिला और पूरी तरह से चकमा दे दिया यहाँ पर जॉन पॉल डुमिनी को। शॉट खेलने की कोशिश कर रहा है तो पता चल जाता है कि फंस गए। यहाँ नहीं फंसे डेविड मिलर, ये बात तय है। स्वीप किया और बढ़िया ढंग से स्वीप किया। जी हाँ, पहुंच गई गेंद ये विराट कोहली के पास। एक और विकेट कुलदीप यादव के नाम। 4 रन बनेंगे, लेकिन बड़े खुशकिस्मत रहे, आउट भी नहीं हुए, 4 रन भी मिले। फील्डर रहने चाहिए दूर, लेकिन गैप में खेल गए और बन गए 4 रन बहुत देर के बाद 4 रन बल्ले के बीच में से। 5 विकेट पर 156, जैसे हमने सोचा था ये चले फिर भुवनेश्वर कुमार, लेकिन फाइन लेग अंदर था। ये बेहतरीन शॉट, जसप्रीत बुमराह साथ साथ चलते गए और फिर गेंद से कहा भाई नहीं पहले आप। ये विकेट ना गिरी तो अलग बात, अगर ऐसे ही खेलते रहे, वाह भाई, जब से स्पिनर गए तेज गेंदबाजों का आना मानो एकदम इसे महफिल सी हो गई है। क्या आपने खेला है, क्या पहुंच पाएगा फील्डर, नहीं कोई मौका नहीं। ओवर खत्म हुआ चौके के साथ, 8 रन 174 पे 5। शुरुआत एक लाजवाब शॉट से, क्रिस मॉरिस 4 रन। और अच्छा इसलिए भी था क्योंकि वहां से गेंद अंदर भी आई। इस बार सामने प्रहार मिड ऑफ ऊपर है और 4 रन बाहर डुप्लेसी को। 183 5 विकेट पर। जो बॉलर अच्छा डाल रहा है, और एक कोई नया ये हवा में और वन बाउंस 4 रन गैप में। वो एक बेहतरीन गेंदबाज है। ये बढ़िया शॉट, बहुत तेजी से लगाया शॉट, 4 रन। दो, ये इनसाइड आउट और टाइमिंग लाजवाब, 6 रन। और इस बार मॉरिस उसी शॉट को खेलते हुए वापस पवेलियन की तरफ, बहुत बड़ा झटका और सही वक्त में भारत के लिए। बढ़िया शॉट खेला है ये, और गेंद वहां फील्डर मौजूद थे, मुझे लगा कि गेंद उनसे ज्यादा दूर थी नहीं, हो सकता है शायद उंगलियों पे भी लग के गई हो। जी हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे, लेकिन वो जो बाउंड्री की हम बात कर रहे थे वो लीजिए मिल गई यहाँ, इसी बाउंड्री की जरूरत थी फैफ डुप्लेसी को। तो ये लीजिए एक और शतक फैफ डुप्लेसी के नाम, और एक शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। कुछ कर्तव्य होते हैं आपके एक कप्तान के तौर पे, और उन पे आज खरे उतरे हैं फैफ डुप्लेसी। सही कहा, 100 रन तो आंकड़ों में भी नजर आएंगे, लेकिन जैसे मकरम आए थे तब वो तकलीफ में थे, उनके लिए सिंगल भागने को तैयार। कप्तान के जितने कर्तव्य होते हैं इस पारी में उन्होंने खूब बखूबी निभाए हैं।
क्या बढ़िया पिक किया, स्लोर वन थी लेकिन इस बार अड़के आ गई। ये लीजिए 6 जोड़ दीजिए इस टोटल में। गेंद और बल्ले का संपर्क लाजवाब था। यह धोनी के सर के ऊपर से गेंद और पहुंची बाउंड्री तक। 264 पे 6। सीधा हार्दिक पांड्या के हाथ में, लगता है फिर से डालनी पड़ेगी। वाइड का इशारा भी करना है, अपनी जान भी बचानी है। अब क्या करे अंपायर, क्या क्या करे। आइए देखते हैं हुआ क्या। वाइड तो बिल्कुल थी लेकिन धोनी साहब ने गेंद थ्रो कर दी थी दूसरे छोर पे और रबाडा साहब पता नहीं अपने ख्वाबों में खोए थे कहीं, और इसका पूरा फायदा उठा लिया भुवनेश्वर कुमार ने। 267 पे 7। रबाडा वापस चले। एक ही रन मिलेगा यहां पे, तो दक्षिण अफ्रीका की पारी यहां समाप्त हुई। 50 ओवर के खेल के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 269 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। बहरहाल बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये लीजिए, ये चले रोहित शर्मा, और वही हम बात कर रहे थे शिखर धवन के लिए शायद ये लाइन बेहतर थी लेकिन रोहित शर्मा ने पहुंचा दिया इसे खिलाड़ियों। बढ़िया ढंग से खेला। वैसे दिक्कत आती है ये शॉट खेलने में, और अगर आपको याद हो तो पहले टेस्ट मैच में भी इसी तरह से आउट हुए थे शिखर। वहां जाएंगे जहां कोई इंसान पहले ना गया हो। ये लीजिए, ये भी वहीं गई जहां अब तक कोई गेंद नहीं गई थी। फाइन लेग पे मिली बाउंड्री 20 बिना नुकसान। इस बार रन मिलेंगे यहां शिखर धवन को। और जो रबाडा ने गलती की थी रोहित शर्मा के साथ, वो ही मॉरिस ने गलती, माफ करिए ज्यादा बुलंद है हम लोग 5 स्ट्राइक रेट। इस बार रोहित शर्मा आ नहीं चुके क्योंकि इस बार गेंद का जो टप्पा था वो उनके और थोड़ा ज्यादा करीब था। खराब शॉट खेल बैठे और बड़ी आसानी से कैच पकड़ लिया क्विंटन डिकॉक ने, और ये बड़ी विकेट खो दी है भारत ने। यहां ये ऊपर थी गेंद और इसीलिए शायद पीछे रखा जाता है। थोड़ी सी ऊपर गेंद, फ्रंट फुट पे जाने का मौका, एक शानदार चौका। ये कह रहा है मुझे कि एक आंख जो है आप डकवर्थ लुईस पे भी रखें। शॉट है, खूबसूरत शॉट, चौके के साथ ओवर की समाप्ति 59 पे 11 के बाद। पर एक समान आई है गेंद। ये बढ़िया शॉट, वेट किया और इतना लेट खेल दिया कि वहां डीप पॉइंट का फील्डर भी दूर रह गया उस लिहाज से थोड़ा सा। और यहां पे आवाजें दो आई हैं, अंदरूनी किनारा लगाया, रन चाहते हैं, रन आउट का मौका जिया, दूसरा विकेट गवाया यहां पे रन आउट के रूप में। काफी नाखुश शिखर। शिखर धवन को पता भी नहीं था गेंद कहां थी और उस हिचकिचाहट में थोड़े पीछे रह गए और गेंद ज्यादा दूर भी गई नहीं। माकरम फील्डर और कंचे बॉक्स खेले इन्होंने। उनके बने शॉट, ये उनका एक रिलीज शॉट होता है जिनके रहने का। ये 4 रन बनेंगे और खराब भी गेंद थी ये गेंद मानो कह रही थी हुई है कुछ मेरे साथ। वो अगले ओवर में इस पे बात करेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। फिलहाल तो इस शॉट का आनंद लीजिए। थोड़ी सी ऊपर जरूर मिल गई लेकिन फिर भी उसको गैप में डालना बड़ा जरूरी होता है। 101 पे 2। एक एक्स्ट्रा जो ये मिड ऑफ जिंके रहने के लिए, और उसी का फायदा उठाया यहाँ पे। छठा हो उसको भी नहीं सेटल होने दे रहे। खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं पीछे फील्डर के लिए। तो चलिए चौका भी आ गया, 9 रन आए ओवर से 125 पे 2। गैप में धकेला है, मुश्किल है मॉर्कल के लिए रोकना।
चलिए एक और चौका आ गया। सिंगल और सिंगल के साथ एक और अर्धशतक विराट कोहली के नाम, 46वां अर्धशतक एक दिवसीय क्रिकेट में। गेंद को लेट खेलते हैं, ये सब मिलेगा इनकी बल्लेबाजी में, और इस तरह की बाउंड्रियां भी बेशुमार नजर आएंगी। 167 पे 2, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, और इस बार इन्होंने गेंद को मैदान के बाहर दे मारा। और यहां पे अर्धशतक पूरा करेंगे अब अजिंक्य रहाणे, 5वां अर्धशतक एक दिवसीय मैचों में, एक के बाद एक, पिछले 5 मैचों में 5 अर्धशतक जड़ दिए हैं इस बल्लेबाज ने। इसे कहते हैं निरंतरता और इसे कहते हैं अनुकूलता। एक चीज जो भारत को चाहिए थी कि ये पार्टनरशिप और 4 रन, शायद वाइड, शायद हल्का सा बल्ला लगा हो, लेकिन 4 रन भारत को मिलते हुए तो स्थिति और भी मजबूत होती हुई, 4 वाइड रन। और नाम इसलिए रखा गया था उसका कि ऐसे तोहफे मेहमानों को दें। एकमात्र बल्लेबाज है ये, क्या शॉट खेला अजिंक्य रहाणे ने, कितनी दूर भाई, बाउंड्री का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये तेज गेंदबाज है, लेकिन ये भी क्षमता है, इनमें काबिलियत है इनमें अजिंक्य रहाणे ने। वाह, पसे जब अपने आप को बांधते थे तो ये शॉट खेलते थे, और ये रैम शॉट भी आ गया भाई, एक सीधा। ये विराट कोहली कहा कि बहुत देर हो गई भाई मुझे भी बाउंड्री खोजते हुए। कवर ड्राइव, 4 रन, शतक पहला दक्षिण अफ्रीका में। भाई जब विराट कोहली रन चेज में होते हैं, दरवाजे पे खटखटाते हैं शतक के दरवाजे पे, और खोलना ही पड़ता है दरवाजा। वाह क्या बल्लेबाजी है, रन चेज में ऐसा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा। के नाम 6 शतक, विकेट मिल गई दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन बहुत देर हो गई है विकेट आते आते। देखिए फिर से, ये भी स्लो बाउंसर हवा में, और ये कैच छूटा। स्टंप से बाहर गेंद जा रही थी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यह भी देखना होगा कि अगली जगह जहां पे मैच है, जहां ये पहुंचेंगे, वहां सतह किस तरह की रहेगी। बहरहाल तीसरे अंपायर के पास गए हैं, रिव्यू लिया है यहां दक्षिण अफ्रीका ने। अंपायर के निर्णय पे अगर तस्वीरों ने बताया तो अंपायर ने नॉट आउट कहा है, ये हम आपको बता दें। रिव्यू लिया गया है, अंपायर ने लेग बाई दिया है। यहां गेंद बल्ले पे तो कहीं संपर्क नहीं हुआ, जाके लगी तो पैड पे ही थी, लेकिन अब ये देखना है कि आगे गेंद चलती कहां है। कम से कम 3 या 4 इंच लगा लीजिए आप लेग स्टंप से, और दूर थी वो गेंद। इस बार शायद पकड़ ले। जी हां, रबाडा ने वो गलती नहीं की जो जोंडो ने की थी, और ये पारी यहां समाप्त हुई विराट कोहली की।
लीजिए बारिश आए या कुछ आए ये बाउंड्री आ गई और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया भारत ने। और ये है वो क्षण जहां जवाब दिया है और हिसाब लिया है इस भारतीय टीम ने। 1992 से ये सिलसिला जो शुरू हुआ था आखिरकार 2018 में इस मैदान में भारत ने एक मुकाबला जीत ही लिया और वो भी 6 विकेटों से।